नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। संविधान जलाने को लेकर के रोष जताते हुए आज कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। आप देख रहे हैं पल पल ओडा से अमित झुंझ की ये रिपोर्ट। आज ओडा में माता सावित्री बाई फुले मुक्त विद्या केंद्र के चेयरमैन कर्नेल सिंह ओढ़ा और संविधान जलाने के अंदर रोष जताते हुए उन्होंने आज नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन बनाने में लगे, आज उसी महान संविधान को बीजेपी व सरकार के कुछ कुरिंदों ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर तथा आरक्षण को कत्ल करने की साजिश की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दलित समाज व अन्य मजदूरों का हक छीनना चाहते हैं। आज संविधान के साथ जो बेरहमी हो रही है वह केवल बीजेपी की कार्य नीतियों की वजह से हो रही है। 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद सेना के श्री निवास पांडे की अगुवाई में भारतीय नागरिक का संविधान जलाया गया। गलत तरह के नारे भी लगाए गए और सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी रही। सरकार के कारिंदे व कुछ लोग तमाशा देखते रहे। लोगों ने बताया कि भारतीय संविधान को जलाने वाले को जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन्हें देशद्रोहियों की सजा दी जाए, बल्कि यूं कहें कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारा संविधान हमारी माता है, हमारा पिता है, जो करना होगा वो करेंगे, इसके लिए चाहे जान भी देनी पड़े। इस मौके पर भारी संख्या में उपस्थित गणों के साथ साथ और दूसरे अन्य नेतागण भी मौजूद थे। जगतार सिंह मिट्टी के साथ सरदूल सिंह नंबरदार व अन्य लोग भी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं पल पल की ओढ़ा से ये खास रिपोर्ट।